हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेंथ साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 25th वीडियो है, 25वीं वीडियो। इससे पहले क्लास नाइन के जो 15 चैप्टर हैं उनकी 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास टेंथ की ये 10वीं वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10, साइनिंग नंबर 10, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। टोटल हम 120 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, हु प्रपोज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश का कण सिद्धांत, इसाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, क्रिश्चियन हाइगेंस, वन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसाक न्यूटन। प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया, इसाक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, कण सिद्धांत न्यूटन ने, तरंग सिद्धांत, इसाक न्यूटन, क्रिश्चियन हाइगेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रिश्चियन हाइगेंस। तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने, और कण सिद्धांत न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक, इसाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन व क्रिश्चियन हाइगेंस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्स प्लैंक, यानी मैक्स प्लैंक ने दिया। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया प्रकाश का, मैक्स प्लैंक ने, और कण सिद्धांत न्यूटन ने, और तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया, और अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जो नहीं यूज कर सकते लेंस बनाने में, वो नाम बताना आपको, वाटर, जल, ग्लास, कांच, प्लास्टिक, क्ले, मिट्टी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्ले, मिट्टी। मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाई कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से परे, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ही आभासी, सीधा वह बड़ा मिलेगा कनकेव मिरर से, यानी अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, लेंस के मुख्य फोकस पर, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, एट इंफिनिटी, अनंत पर, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कहां रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल मिरर है एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, किसी गोलीय दर्पण, एक तो गोलीय दर्पण है और दूसरा कोई पतले गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण व गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से हो सकते हैं, ए बोथ कनकेव, दोनों अवतल, बोथ कन्वेक्स, दोनों उत्तल, द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, द मिरर इज कन्वेक्स बट द लेंस इज कनकेव, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ कनकेव, दोनों कनकेव होंगे, दोनों अवतल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be.
किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? ए ओनली प्लेन, केवल समतल, ओनली कनकेव, केवल अवतल, ओनली कन्वेक्स, केवल उत्तल, इधर प्लेन और कन्वेक्स, या तो समतल अथवा उत्तल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इधर प्लेन और कन्वेक्स, या तो समतल अथवा उत्तल। और कभी भी ओनली ओनली शब्द जिसके पीछे लगा होता है वो 99.9% कभी भी राइट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज करेंगे क्योंकि उत्तल लेंस का पावर पॉजिटिव होता है और छोटे से छोटे वाले लेने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हमें किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? कितनी दूर रखें? ए लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कम, मोर देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से अधिक, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर सही 15 सेंटीमीटर, या मोर देन 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर से अधिक। तो कहां पर रखेंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कम। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ ए कार। किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कन्वेक्स उत्तल, कनकेव अवतल, प्लेन समतल, एनी वन ऑफ द अबो, उपयुक्त में से कोई एक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनकेव अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज ए साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। किसी वाहन के पार्श्व यानी पश्च दृश्य में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कन्वेक्स उत्तल, कनकेव अवतल, प्लेन समतल, एनी वन ऑफ द अबो। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल का ध्यान में रखना आपको, ये गाड़ी का जो साइड पीछे का देखने के लिए है वो उत्तल, और बाकी का मालूम है तो ठीक है, नहीं तो सीधा अवतल पर टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सौर भट्टी में बताइए, उत्तल समतल अवतल या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कनकेव अवतल, प्लेन समतल, कन्वेक्स उत्तल, एनी वन ऑफ द अबो। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कनकेव अवतल लेंस। यहां पर इस क्वेश्चन को समतल यानी प्लेन लगा करके गलत मत कर देना। हालांकि मैं तो दाढ़ी बनाता हूं, समतल वाले से बनाता हूं, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है अवतल दर्पण, कनकेव, तो आपको कनकेव ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन टॉर्चेज। टॉर्च में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कनकेव अवतल, प्लेन समतल, कन्वेक्स उत्तल, एनी वन ऑफ द अबो, उपयुक्त में से कोई एक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कनकेव अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन सर्च लाइट। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल अवतल उत्तल, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनकेव मिरर अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। दंत विशेषज्ञों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? समतल अवतल उत्तल, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनकेव लेंस अवतल दर्पण, कनकेव मिरर अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन। प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे गमन करती है? स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में, बेंट लाइन टेढ़ी रेखा में, इन एनी डायरेक्शन किसी भी दिशा में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन।
प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम इनमें किसमें होगा? वैक्यूम, निर्वात, वाटर, जल, एयर, वायु में, ग्लास, कांच में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्लास में, कांच में सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल, वास्तविक, वर्चुअल, काल्पनिक यानी आभासी, बोथ, दोनों, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डायप्टर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? रे डायग्राम, आरेख, किरण आरेख, फोकस, बीम यानी किरण पुंज, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रे डायग्राम, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इनटू अ स्ट्रेट लाइन, दिस इफेक्ट ऑफ लाइट इज नोन एज। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन, प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, डिफ्रेक्शन, विवर्तन, इंटरफ्रेंस, व्यक्तिकरण। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिफ्रेक्शन बोलते हैं, डिफ्रेक्शन, विवर्तन। प्रकाश के रास्ते में अगर कोई छोटा वस्तु आ जाएगा तो उसके किनारों से टकरा करके बेंड होकर के जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर वापिस आना, और रिफ्लेक्शन अंदर से आर पार चला जाना। एंड इंटरफ्रेंस, व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण होता है जब एक ही पॉइंट पर दो जगह से लाइट गिरे। व्यक्तिकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सोप बबल, साबुन से बने हुए बबल जो हैं वो कलरफुल दिखाई देने लगते हैं ड्यू टू इंटरफ्रेंस, व्यक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सोप बबल्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट सोर्स दे रिफ्लेक्ट वाइट कलर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इफेक्ट ऑफ लाइट। जब साबुन के बुलबुलों पर प्रकाश पड़ता है तो कई प्रकार के रंगों का प्रावर्तन होता है, यह प्रकाश के किस प्रभाव के कारण होता है? प्रावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तिकरण। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंटरफ्रेंस, व्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी तथा सीधा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, आभासी तथा उल्टा, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक तथा सीधा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी तथा सीधा। और जहां भी आभासी शब्द आए, आभासी के साथ अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए सीधा, जो भी आभासी होगा सीधा भी होगा। और अगर वास्तविक शब्द आए, वास्तविक रियल, तो ऑलवेज उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लेन मिरर द साइज ऑफ द इमेज विल बी, एक समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? लार्जर, बड़ा, स्मॉलर, छोटा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, बिम के बराबर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। प्लेन मिरर तो कैसा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, बिम के बराबर, और समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लेन मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 meters फ्रॉम द मिरर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। एक समतल दर्पण में यदि बिंब को दर्पण से 5 meters की दूरी पर रखा गया है तो बनने वाला प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है वो क्या होगी? 10 meters, 5 meters, 2.5 meters, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 meters, यानी जितने मीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा होगा उतने ही मीटर दूर इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज, एक समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व परिवर्तित, इन्वर्टेड, उल्टा, रियल, वास्तविक, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व परिवर्तित, यानी लेफ्ट वाली चीज राइट में और राइट वाली लेफ्ट में दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर एट ए स्पीड ऑफ 4 kilometers per hour, एट व्हाट स्पीड द इमेज विल बी सेम टू कम टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। एक बिंब समतल दर्पण की तरफ 4 kilometers per hour की गति से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस गति से बिंब की ओर आता प्रतीक होगा?
दो किलोमीटर प्रति घंटा, चार किलोमीटर प्रति घंटा, आठ किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए। गोलीय दर्पण जिसका प्रावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ यानी गोले के केंद्र की तरफ वक्रित है उसे क्या कहा जाता है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कंकेव मिरर, अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड। गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के केंद्र को जो दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है दर्पण का क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र या पोल ध्रुव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोल ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ द स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, पोल ध्रुव। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कंकेव मिरर लाइज, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर स्थित होता है? अवतल दर्पण का बिहाइंड द मिरर, दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के सामने, ऑन द मिरर, दर्पण पर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर लाइज, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर स्थित होता है? उत्तल दर्पण का भी बिहाइंड द मिरर, दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के सामने, ऑन द मिरर, दर्पण पर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिहाइंड द मिरर, उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर, और अवतल में इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, निम्न में से कौन एक दर्पण का भाग नहीं है? जो दर्पण का भाग नहीं हो बताना आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, पोल ध्रुव। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है वो दर्पण का भाग नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ द मिरर। गोलीय दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की क्या कहा जाता है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, पोल ध्रुव। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण की क्या कहा जाता है? जैसे आपका दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये मैंने कनकेव बनाया है, अवतल दर्पण, और ये आपका पोल है जिसको मैं पी बोल रहा हूं, और ये वो जो सीधी रेखा की बात कर रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेज फॉलिंग ऑन ए कंकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड, दे ऑल मीट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड। अवतल दर्पण द्वारा प्रावर्तित किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु को अवतल दर्पण का क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, पोल ध्रुव। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the blank. गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, पोल, ध्रुव. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर. गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? फोकस दूरी को एफ, एफ डी, स्मॉल एफ, स्मॉल डी, स्मॉल एफ. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्मॉल एफ से करते हैं, क्योंकि एफ तो फोकस है और ये स्मॉल एफ है, ये फोकस दूरी को डिनोट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स. गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का क्या कहा जाता है? जैसे आपका दर्पण है, ये पी था, इसको मैं एम नाम देता हूं, ये एन, तो इस दूरी की बात कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, अपर्चर, द्वारक. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अपर्चर कहेंगे, द्वारक, द्वारक, जो कि नॉर्मली हम एम एन से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट्स द. गोलीय दर्पण में एम एन दूरी क्या दर्शाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अपर्चर, द्वारक कहते हैं. एम एन दूरी क्या दर्शाती है? अपर्चर को दर्शाती है, द्वारक को. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्फेरिकल मिरर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ. गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? एफ इजकल टू टू आर, आर इजकल टू एफ, आर इजकल टू टू एफ, एफ इजकल टू फोर आर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर इजकल टू टू एफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर. यदि बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? यहाँ पर अवतल दर्पण है और यहां पर ये अनंत है, वहां पर इंफिनिटी पर आपका कोई वस्तु रखा है, तो और ये आपका एफ है और ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ है सी और इस पी के बीच में होता है, सही बीच में, तो यहां पर रखा है तो कहां बनेगा? ये सीधे जाकर के एफ से टकरा करके जाएंगे, जो भी रेखाएं सभी एफ से होकर के निकले, तो कहां बनेगा? एफ में. इनको आप ऐसे याद रख सकते हो. अभी ये चलो अगले पेज के ऊपर बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में. या तो आप ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एट द फोकस एफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बाउंड सी, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर. यदि बिंब की स्थिति सी से परे हो तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? तो ये आपका अवतल दर्पण है, यहां से बाहर से पॉलिश है, ये आपकी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है और ये आपका आई है, इंफिनिटी है ना. अगर कोई वस्तु को हम यहां पर रखेंगे सी पर, तो ये सी पर ही बनेगा और सेम साइज का होगा, सी पर ही बनेगा तथा सेम साइज का होगा. अगर सी से आधा एक कदम पहले यानी आई, एक कदम पहले रखूंगा तो एक कदम आगे बनेगा, यानी एफ पर बनेगा. अगर आई पर वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, अगर एफ पर रखा है एक कदम आगे तो एक कदम पीछे आई पर बनेगा. इसी तरह एक आधा कदम यहां ले लेता हूं, एक आधा कदम यहां है. अगर सी और एफ के बीच में रखा आपने ऑब्जेक्ट को, तो जो उसका प्रतिबिंब, जो इमेज बनेगा, यानी सी से आपने आधा कदम आगे रखा तो आधा कदम पीछे यहां बनेगा, यानी इसको बोलेंगे बायोंड सी, बायोंड सी बनेगा. अगर बायोंड सी को रखोगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, यानी अगर सी से सी के ऊपर ही रखा तो सेम साइज का और सेम प्लेस पर, सी से आधा कदम आगे रखा आधा कदम पीछे बनेगा, अगर आधा कदम पीछे रखा आधा कदम आगे बनेगा, सी से अगर एक कदम आगे रखा एक कदम पीछे बनेगा, और अगर एक कदम पीछे रखा तो एक कदम आगे बनेगा. तो यहां पर सी से परे हो की बात है, सी से परे यानी ये वाली जगह पर रखा है, सी से आधा कदम पहले तो आधा कदम आगे बनेगा, यानी बिटवीन एफ एंड सी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिटवीन एफ एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इस बार सी के ऊपर ही रख दिया है. वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर. यदि बिंब की स्थिति सी पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? बायोंड सी, एट सी, एट द फोकस, बिटवीन एफ एंड सी. सो सी पर है तो सी पर ही बनेगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इस बार सी एंड एफ के बीच में रखा है, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कनकेव लेंस। यदि बिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच हो, इस बार कहां रख लिया हमने, ये आपका एफ था और ये सी था, इन दोनों के बीच में रखा है, यानी सी से आधा कदम आगे तो आधा कदम पीछे बनेगा, आधा कदम पीछे क्या बोलेंगे, बायोंड सी, सी से परे। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बायोंड सी, सी से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, इस बार पी एंड एफ में रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट ये पोजिशन है, ऑलवेज क्वेश्चन यहां से आता है, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। यदि बिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच में हो, इस बार ये आपका जो एफ है ये सी था और ये पी, यहां पर रखा है, इस पोजिशन को छोड़कर जितने भी थे वो सब रियल एंड इन्वर्टेड थे, वास्तविक तथा उल्टे, लेकिन ये है आगे की तरफ बनेगा यहां पर और बड़ा होगा, बड़ा सीधा होगा, वर्चुअल। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहां पर बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एफ, इस बार एफ पर रख दिया है, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर। यदि बिंब की स्थिति एफ पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, बायोंड सी, सी से परे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, एट द फोकस एफ, फोकस एफ पर, एट इंफिनिटी, अनंत पर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एट इंफिनिटी, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इस बार इंफिनिटी पर रख दिया है, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, लेंस दूसरा ले लिया इस बार, कन्वेक्स ये वाला इस तरह पॉलिश। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यहां पर अनंत के ऊपर है तो ये लाइन क्या है, सीधे जाएंगी, टकराएंगी, मुड़ जाएंगी, और ये ऐसी प्रतीत होंगी कि कहां से आ रही है, एफ से, इसका एफ यहां पर है क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ है, यहां से आ रही होंगी, तो कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा और बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज का होगा। सो बायोंड सी, नहीं, एट द फोकस एफ, बिहाइंड द मिरर, यस, बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस एफ, यानी दर्पण के पीछे, फोकस पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल पी, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। यदि बिंब की स्थिति अनंत तथा ध्रुव पी के बीच हो तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इस बार उन्होंने कुछ दूरी पर बताया, ये आपका पी है, ये आपका आई है, इसके बीच में कहीं पर रखा है ऑब्जेक्ट और ये आपका एफ है, तो ये एफ से इधर बनेगा इस तरफ में, बायोंड सी, सी से परे, एट द फोकस, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, पी तथा एफ के बीच, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये पी है और ये एफ है, इनके बीच बनेगा और छोटा होगा क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब हैं वो सीधे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़ा सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा, वो भी पी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज फिटेड इन वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल, आगरा किले की ताजमहल की तरफ की दीवार पर कौन सा दर्पण लगा हुआ है, कन्वेक्स उत्तल, कनकेव अवतल, प्लेन समतल, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण, ताकि ज्यादा एरिया देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, कौन सा दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सीधा, कन्वेक्स उत्तल, कनकेव अवतल, प्लेन समतल, बोथ ए एंड पी, ए व बी दोनों, कौन सा दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स सीधा होगा, वैसे जो प्लेन है, प्लेन मिरर है, वो भी सीधा बनाता है, तो यहां पर आपके आंसर दो हो जाते हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये दोनों ही राइट है, कौन सा दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, विच मिरर ऑलवेज गिवन इरेक्ट इमेज, कन्वेक्स मिरर व प्लेन मिरर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये जो सी है ये आपका 30 सेंटीमीटर है, तो एफ पूछा है, एफ इसके ठीक बीच में होता है यानी आधा, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सा दर्पण बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा, बड़ा सिर्फ आपका कनकेव बनाता है अवतल, जब वस्तु को एफ व पी पोल के बीच रखते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनकेव अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन का अध्ययन करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं। इस निश्चित चिन्ह परिपाटी को क्या कहते हैं? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यूटन्स साइन कन्वेंशन, न्यूटन चिन्ह परिपाटी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला बताना आपको, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ, वी प्लस यू इजकल टू एफ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा मिरर फॉर्मूला? ए इज द राइट आंसर, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ, ये होता है मिरर फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला, लेंस वाले में यहां माइनस हो जाता है, यानी ये वाला जो है सी में, ये लेंस फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम प्राप्त होगा किससे? एम इजकल टू हाइट ऑफ द इमेज यानी एच डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और बिंब की ऊंचाई एच, या एम इजकल टू इमेज डिस्टेंस जो वी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यानी एम इजकल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही है। ये भी सही है, एम इजकल टू हाइट ऑफ द इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, और ये भी सही है, एम इजकल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी एम इजकल टू माइनस वी अपॉन यू, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज। दर्पण सूत्र द्वारा सवालों को हल निकालते समय आवर्धन के मान में अगर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है तो क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वर्चुअल, काल्पनिक आभासी, रियल वास्तविक, इरेक्ट सीधा, नन ऑफ दी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये बताता है कि रियल है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज। अगर नेगेटिव के अंदर वैल्यू आती है तो रियल इमेज होगा, और पॉजिटिव में आएगी तो वर्चुअल होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और जो रियल होते हैं इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज। दर्पण सूत्र द्वारा सवालों का हल निकालते समय आवर्धन के मान में अगर धनात्मक चिन्ह आता है तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा कि वर्चुअल है, काल्पनिक है, सीधा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्चुअल, काल्पनिक, आभासी, वह सीधा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दो नियम है। कौन कौन से हैं वो दो नियम? जो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये आपका मिरर है, ये कोई लाइन जा रही थी, ये जा रही है, और ये आपकी नॉर्मल है, तो एक तो ये जो इंसिडेंस रे जो है आने वाली, और एक ये रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली, और एक नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, एंगल इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो बताना आपको। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बिंब का प्रकाश दर्पण पर हमेशा बाईं तरफ से गिरता है, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव, मूल बिंदु के बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती हैं, ये भी सही है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, ये गलत दिया है भाई, ये तो नेगेटिव लिखा तो होता तो सही था, और हमें तो असत्य ही बताना है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर,
whose radius of curvature is 32 cm. उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है. और फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी. 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 24, 32. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. वेयर इज द इमेज लोकेटेड? कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है. प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? यह आपका अवतल दर्पण है, यह आपका पी है. पी से कोई वस्तु यहां पर रखी है और इसका जो डिस्टेंस दिया इन्होंने 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है तो -10 बोला जाएगा, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. तो यह अपने से 3 गुना बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है रियल. ये इधर से टकरा करके एफ से होकर के कहीं यहाँ कहीं बनेगा तो 3 गुना बड़ा बन रहा है. तो ये आपको दूरी बतानी है कितनी दूरी है. ओके, एम इजकल टू क्या होता है आपका? मैग्निफिकेशन इजकल टू माइनस वी अपॉन यू. वी है आपका इमेज का डिस्टेंस पी से और ये है जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है ना. एम आपको दे रखा है -3, यानी 3 गुना है. मैग्निफिकेशन 3 गुना दिया है, -3 क्योंकि वास्तविक है, वास्तविक हमेशा नेगेटिव. इस तरफ में जो भी बनेंगे नेगेटिव. इसमें क्या ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऐसे होता है. तो जस्ट फॉर्मूला में रख दो, एम क्या है? -3 इजकल टू वी, माइनस वी हमें मालूम करना है, अपॉन यू है -10. तो ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. ये हो गया, 10 को उधर भेज दो तो इधर वी रह जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, यानी -30 इजकल टू वी. और यही पूछा था. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, -30 सेंटीमीटर. -30 यानी इस तरह बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉटम ऑफ ए टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज बिकॉज ऑफ. पानी से भरे किसी टैंक या पोखर तालाब की तली किस कारण से उठी हुई प्रतीत होती है? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. कोई भी चीज उठी हुई, मुड़ी हुई, यानी अपनी जगह छोड़ के अलग दिखाई दे, वो सभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड बिकॉज ऑफ. जब कोई मोटा कांच का स्लैब यानी सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्सर उठे हुए प्रतीत क्यों होते हैं? प्रकाश का विवर्तन, प्रावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई ए पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर. एक पेंसिल को किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में आंशिक रूप से डुबो कर रखने पर यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है? विवर्तन के कारण, प्रावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, यानी डिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज When viewed from the sides. पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखा नींबू पार्श्व से साइड से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत किस कारण से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रावर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन. नेक्स्ट क्वेश्चन. When light travels from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomenon is known as. जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तेजा होकर प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है. इस परिघटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, स्कैटरिंग. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दो नियम. पहला नियम क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन.
यानी जैसे रिफ्लेक्शन का फासला था सेम वैसा ही है, और दूसरा क्या है साइन आई इजकल टू साइन आर, या साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट, इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये सेकेंड लॉ है, और सेकेंड लॉ को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। और ये कॉन्स्टेंट क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन सा अपवर्तन का नियम स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकेंड लॉ, दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू फॉर एंगल बिटवीन, स्नेल का नियम किस आयाम के कोण तक सीमित है, कितने एंगल तक, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 0 से 180, 0 से 360 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0 टू 90 डिग्री, सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच ही, बीच तक ही सीमित है हमारा स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सिंबल हम लिखते हैं N21, ऐसे लिखते हैं N21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को पहले लिखेंगे, विद रेफरेंस वाले को बाद में, इज गिवन बाय व्हाट, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक संकेत N21 कैसे व्यक्त किया जाता है, ए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, बी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, बोथ एंड बी ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष उसको ऊपर लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, N21 इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003, ये हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायु का अपवर्तनांक माध्यम 1.0003 है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक माध्यम सबसे ज्यादा है, वायु, बर्फ, नीलम, हीरा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डायमंड, हीरा, हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विच इज 2.42 है, 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसको सिंबल में जाएगा N12, N12 इज गिवन बाय, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वो ऊपर रखेंगे, कैसे व्यक्त किया जाता है, जो माध्यम 2 के सापेक्ष है माध्यम 2 ऊपर होना चाहिए, कौन से में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ये किसके बराबर होगा, N12 के बराबर, N12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा किधर झुक जाती है, ए 90 डिग्री इनवर्ड्स, 90 डिग्री अंदर की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब विरल माध्यम से रेयर मीडियम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, रेयर मीडियम स्पीड अप एंड बेंड्स, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण की चाल बढ़ जाती है तथा ये किधर से हट जाती है, 90 डिग्री अंदर की तरफ, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस, कौन सा लेंस किनारों के अपेक्षा बीच से मोटा होता है, यानी बीच में मोटा वैसे वाला कौन सा होगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज थिकर एट द एजेस एज कंपेयर टू द मिडल, कौन सा लेंस बीच के अपेक्षा किनारों से मोटा होगा, यानी ऐसा होगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कनकेव लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज, कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच लेंस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज, कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी, कनकेव, कन्वेक्स, बोथ, नन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फोन बाई ए कन्वेक्स लेंस। बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उत्तल लेंस वाले की बतानी आपको, कहां पर रखा है, एट इंफिनिटी पर रखा है, एट 2f2, बायोन 2f2, एट फोकस f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एट फोकस f2, फोकस f2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बाउंड 2f1, इस बार 2f1 से दूर रखा है, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फोन बाई कन्वेक्स लेंस। बिंब की स्थिति 2f1 से परे हो तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, एट 2f2, बायोन 2f2, एट फोकस f2 और बिटवीन f2 एंड 2f2। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 तथा 2f2 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, इस बार 2f1 पर पोजिशन है, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फोन बाय द कन्वेक्स लेंस। बिंब की स्थिति 2f1 पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अगर 2f1 पर रखा है तो सीधा 2f2 पर बन जाएगी, एट 2f2, बायन 2f2, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2f2 पर, अगर 2f1 पर रखा है तो 2f2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 बाय 2f1 के बीच है, ये आपका कनकेव है, कन्वेक्स लेंस है, ये आपका O है पॉइंट, ये आपका f1 है, ये आपका 2f1 है, ये आपका f2 है और ये 2f2 है। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड, इन दोनों के बीच में है, जिसको हम C कहा करते थे ना दर्पण के अंदर, तो इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा बायोन्ड 2f2 यहां बनेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बायोन्ड 2f2, 2f2 से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस f1, अभी f1 के ऊपर है, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म, बिंब की स्थिति फोकस f1 पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ऑलवेज इंफिनिटी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एट इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस f एंड ऑप्टिकल सेंटर o, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस। बिंब की स्थिति फोकस f तथा प्रकाशित केंद्र o के बीच है, इस बार यहां रख दिया, ये था आपका f1 और ये o है, इन दोनों के बीच में रखा है, तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी सिर्फ इसी पोजिशन पर f से आगे रखोगे आप तो ही इस तरफ बनता है, अदरवाइज बाकी सभी केस के अंदर इस तरफ में बनता है, और यहां पर इस केस के अंदर इधर बनेगा इस तरफ में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इस बार इंफिनिटी पर रख दिया, इंफिनिटी पर रख दिया तो हमें फोकस पकड़ना पड़ेगा, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव लेंस, इस बार कनकेव लेंस है, बिंब की स्थिति अनंत पर हो, ये कनकेव लेंस आपका, ये अवतल लेंस, तो इसमें बिंब की स्थिति अनंत पर है, इंफिनिटी के ऊपर रखा है, तो कहां बनेगा, एट फोकस f1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, f1 पर बनेगा, f1, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर o, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। बिंब की स्थिति अनंत तथा प्रकाशित केंद्र o के बीच हो तो अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर o, पहला ही राइट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र o के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज, लेंस सूत्र किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, 1/v + 1/u = 1/f, v + u = f, 1/v - 1/u = 1/f। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये है लेंस फार्मूला, और मिरर फार्मूला ये वाला था, इसमें प्लस होता है मिरर प्लस, लेंस फार्मूला में माइनस आता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज गिवन बाय, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होता है, m =
हाइट ऑफ द इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच, एम इजकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई एच, एम इजकल टू इमेज डिस्टेंस वी अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, एम इजकल टू वी अपॉन यू, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ यू. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी. हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, ये भी सही है, और डिस्टेंस के मामले में इमेज एंड ऑब्जेक्ट का एम इजकल टू वी बाई यू, ये भी सही है. लेंस में देखिए वी बाई यू है, एम इजकल टू वी बाई यू, और दर्पण में क्या था, एम इजकल टू माइनस वी बाई यू था, बाकी ये दोनों का सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ ए थिकर लेंस विल बी, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, लेस यानी कम, मोर अधिक, बैलेंस संतुलित, नन ऑफ दी. सो मोटे लेंस की ज्यादा होगी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोर अधिक होगी, मैग्निफिकेशन ऑफ थिकर लेंसेज विल बी मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ थिनर लेंस विल बी, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होगी, भी कम हो जाएगी, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेस कम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁴ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10³ मीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड. और अगर यहां पर ये पावर 5 देकर के प्रति मीटर के बजाय अगर यहां किलोमीटर लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, अगर किलोमीटर कर देंगे तो पावर 5 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन, नो यूनिट. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो यूनिट, मात्रक विहीन, देयर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस इज, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस है, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इरेक्ट, इक्वल एंड इरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक और उल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज साइन आई अपॉन साइन आर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 1 डायप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी. पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है इक्वल टू 1/f, और 1/f इन मीटर, यहां पर सेंटीमीटर की बात करें तो आप लिख सकते हो p इक्वल टू 100/f, और पावर कितना दिया, 1, p की जगह इसकी जगह 1 दिया है, यानी 100 अपॉन f इक्वल टू 1, f को उधर ले जाओ, तो f इक्वल टू 100, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी f 100, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, उत्तल, उत्तल ऑलवेज पॉजिटिव, उत्तल पॉजिटिव. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लस 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर यहां पर प्लस के अंदर आया, प्लस में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल फोकस आर देयर इन ए लेंस, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, 2, 1, 3, कोई नहीं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used in simple microscope? सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी में, इन सिंपल माइक्रोस्कोप कन्वेक्स लेंस इज यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used as objective lens in a photographic camera? निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेज ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास दे बेंड्स, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब के निकट, पैरेलल टू द नॉर्मल, अभिलंब के समानांतर, और नन ऑफ दिस. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब के निकट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मिरर द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्लेन, कन्वेक्स, कनकेव.
सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनकेव, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से यानी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर से ऑलवेज छोटा प्रतिबिंब बनता है, स्मॉलर स्मॉलर इमेज विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कोई नहीं, अवतल कनकेव नेगेटिव, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेगेटिव ऋणात्मक और उत्तल की पॉजिटिव धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पॉजिटिव धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता क्या होती है, पी इज इक्वल टू 1/f मीटर में, यहां बात करें सेंटीमीटर की तो यानी 100/f और f कितना दिया है 50, यानी पी इज इक्वल टू 100/50, 50 एकम 50, 50 दूनी तो इक्वल टू 2 डाइप्टर और प्लस की, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लस 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ फॉर ए लेंस ऑफ पावर 2.5D, इस बार फोकल लेंथ बतानी है या 2.5D, 2.5 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन f, ये बनेगा f को इधर ले जाओ यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2.5f इज इक्वल टू 100 एंड f इज इक्वल टू 100/2.5, पॉइंट हटाने के लिए मैंने पॉइंट हटा दिया, एक जीरो लगा दी, ठीक, 25 एकम 25, 25 चौका 100 और एक आगे जीरो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ, सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब किसका उदाहरण है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पॉइंट इमेज, प्लेन इमेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं, एटम, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोटोन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, फोटोन, क्वांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन हेल्प्स इन इंडिकेटिंग दैट द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण, डिफ्रेक्शन विवर्तन, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण, रिफ्रेक्शन अपवर्तन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की जो परिघटना है यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के विद्युत चुंबक के स्वरूप की खोज किसने की, स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैक्सवेल, प्रकाश के विद्युत चुंबक के स्वरूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की खोज मैक्सवेल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टार्टिंग हु हैड शोन दैट लाइट इज डिफ्रेक्शन ऑफ वेव, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, डिफ्रेक्शन होता है, किसने दिखाया, ग्रिमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकॉल्ट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी ने दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, डिफ्रेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सप्लेन्ड द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, कॉम्प्टन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, न्यूटन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना डू नॉट हैपन इन बोथ लाइट एंड साउंड, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोलराइजेशन, ध्रुवन, पोलराइजेशन, ध्रुवन है, नहीं तो प्रकाश में होता है और नहीं ध्वनि में, साउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फाउंडेड फर्स्ट टाइम बाय, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने ज्ञात किया, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, माइकलसन, सो ऑप्शन सी रोमर इज द राइट आंसर, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट विल,
माध्यम के ताप में वृद्धि करने पर प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होगा? इंक्रीजेस बढ़ जाती है, डिक्रीजेस घट जाती है, रिमेन सेम वैसी ही रहती है, सडनली ड्रॉप्स सहसा गिर जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिमेन सेम वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम मून टू रीच अर्थ इज अप्रोक्सीमेट। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 100 सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 सेकेंड, लगभग 1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज अप्रोक्सीमेट। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, 499 सेकेंड, 6 मिनट, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। 8 मिनट 19 सेकेंड भी सही है और 499 सेकेंड भी सही। 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट के सेकेंड बनाओगे तो 8 into 60, 16 into 8, 8 से 48, यानी 480 प्लस 19, वही 499 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिजली, फायर आग, मून चंद्रमा, सन सूर्य। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सन सूर्य। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है। तो ये थे आपके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 लाइट चैप्टर से टोटल 120 एमसीक्यू। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आते हैं और मन करे तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, चलता हूं, जल्दी फिर मिलूंगा आपके चैप्टर 11 के वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय राम जी की, राम राम सभी को।